दोस्तों, हैदराबाद शहर से एक लड़का, एक यंग नौजवान लड़का मुंबई आता है अपने सपने लेकर, सपने कि मुंबई में, बॉलीवुड में अपने लिए कुछ जगह बनाएगा। सपनों के अलावा उस लड़के के पास कुछ भी नहीं है, नो कॉन्टैक्ट्स, कोई फिल्म इंडस्ट्री की जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं। अकेला लड़का आता है एंड देन 25 साल की उम्र में उसे अपना पहला गाना गाने को मिलता है, पहला गाना जो हिट होता है। A.R. रहमान जैसे बड़े नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन में वो गाना था रावण का। एंड ऐसे शुरू हुई हमारे आज के गेस्ट की, बॉलीवुड की दास्तां। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम सिंगर मोहम्मद इरफान। मोहम्मद जी, वेलकम टू EDC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू सो मच मुझे प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। आप किसी को नहीं जानते थे फिल्म इंडस्ट्री में, नहीं बिल्कुल दूर दूर तक कोई फिल्म इंडस्ट्री से रिश्ता नहीं नहीं था। मेरा ऐसे नहीं कि कोई आपके डैडी, आपके चाचा, आपकी मौसी, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं नहीं है। नहीं सर, कोई भी नहीं है। इनफैक्ट मैं हैदराबाद से हूँ और बचपन से सिर्फ फिल्में देखता हूँ पर्दे पे, तो यही मेरा फिल्मों से कांटेक्ट है कि मैं फिल्म्स देखता था। बाकी इंडस्ट्री से ऐसा कोई मेरा कांटेक्ट कभी था नहीं, और ना मेरा बचपन से कोई प्लान था कि बड़ा होकर मुझे सिंगर ही बनना है, फिल्मों में गाना है। बस आई यूज टू जस्ट इंजॉय फिल्म, इंजॉय फिल्म म्यूजिक एंड ऑल्सो अदर काइंड ऑफ म्यूजिक। और जैसे जैसे बड़ा होता गया तो वो जो सिंगिंग का शौक था वो पैशन बनता गया, और पैशन इतना बढ़ गया कि आज वो एक प्रोफेशन बन गया। सो आई एम वेरी ग्लैड। फैंटास्टिक। तो इस पैशन को परस्यू करने में आपकी फैमिली ने आपका पूरा साथ दिया, जी या डांट हाँ पड़ती थी जब पढ़ाई नहीं करते थे और इंस्टेंट गाते थे? जी, बचपन से ही फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। डैड मॉम दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, और मैं स्कूल लेवल के जितने कॉम्पिटिशन्स होते थे और स्टेट लेवल के सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता था और मोस्टली प्राइजेस जीतता था। और मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिनका नाम है मिस्टर रामाचारी, हैदराबाद में उनकी एकेडमी है, म्यूजिक एकेडमी। तो वहां पर आपने ट्रेनिंग ली, जी वहाँ पे कितने मैंने सालों लाइट की? म्यूजिक, वहाँ पे मैंने मैं जब 6-7 साल का रहा होगा, मैंने तब से ट्रेनिंग स्टार्ट की थी लाइट अच्छा। म्यूजिक की। और लिटिल म्यूजिशियंस एकेडमी उनका नाम, एकेडमी का नाम है। और मेरे गुरुजी की सबसे खास बात यह है कि वो बिना किसी फीस लिए बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं। आज भी वो एकेडमी चल रही है जी, फैंटास्टिक। कई सालों से। और जब मैं उस एकेडमी में ज्वाइन हुआ था वो फाउंडर मेंबर, हम लोग 20-25 स्टूडेंट्स थे, आज करीब 600-700 स्टूडेंट्स हैं। और आज भी सर किसी से पैसे नहीं लेते हैं, बिना फीस के सिखाते हैं। सो वेरी, इट्स वेरी ग्रेट थिंग आई फील। ओह और अपना वंडरफुल। काम भी देखते हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं। सो मैं सर की वजह से ही, आज रामाचारी सर की वजह से आज सिंगर बना हूँ। एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है और पढ़ाई कहाँ तक की आपने? जी। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है अच्छा, ये जी, पैशन के साथ साथ आपने इंजीनियरिंग भी की? साथ में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का। हाँ। और क्योंकि फैमिली में डैड का हमेशा ये कहना था कि पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल। पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, साथ में अगर गाना हो तो दैट्स एन ऑप्शन। तो बट अब इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब और पढ़ाई या जॉब अब नहीं, अब मुझे गाना है, क्योंकि वो जो जो मज़ा और जो खुशी मिलती है सिंगिंग में वो मुझे किसी और काम में नहीं मिलती तो है। इंजीनियरिंग करने के बाद आपने कोई नौकरी की या सीधे बॉलीवुड में आ गए? नहीं, मुझे करनी पड़ी है एक्चुअली, क्योंकि मैं हैदराबाद से मुंबई शिफ्ट हो गया, और उन दिनों में थोड़ा सा मुश्किल टाइम था मेरे लिए, क्योंकि डैड वॉज अगेंस्ट मी शिफ्टिंग टू मुंबई। वो चाहते थे कि वो एज अ पेरेंट वो चाहते थे कि मैं कोई जॉब लूँ और सेटल हो जाऊँ, या US जाके आगे की पढ़ाई करूँ। बट आई शिफ्टेड टू मुंबई और डैड नाराज़ थे कुछ दिन। तो मैं मुंबई आया और मुझे मुंबई में कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो मैं रहने लगा। तो मैंने जॉब किया एक कंपनी में मुंबई में कुछ महीनों के लिए, तो डिग्री वहाँ पे काम आई ऑफकोर्स। और कुछ महीने तक मैंने जॉब किया, फिर एक टीवी शो के लिए ऑडिशन हो रहा था, तो उस रियलिटी शो के लिए मैंने ऑडिशन दिया। और मैंने बहुत उस शो के लिए मैंने बहुत मेहनत की, और उस शो में मैं काफ़ी ऊपर टॉप 4 तक आया। देन शो स्टार्टेड हैपनिंग, द कॉन्सर्ट्स, ट्रैवलिंग और वो सब, तो देन थिंग्स स्टार्टेड रोलिंग। बट बॉलीवुड की अब तक एंट्री नहीं हो पा रही थी। मैंने मेहनत की कि किसी तरह फिल्मों में गाने के मौके मिले, तो मैंने अपनी CD बनाई। और फिर मैंने जो मिथुन मिथुन शर्मा जो कंपोजर हैं उनको मैंने अपनी CD भेजी, उनको मेरी आवाज़ पसंद आई, तो वहाँ से तो चीज़ें सबसे पहले आपने मिथुन के लिए गाया? जी। सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड किया, जो गाने मैंने रिकॉर्ड किए थे वो मिथुन के लिए थे, मिथुन सर के लिए। और लम्हा एक फिल्म आई थी, संजय करेक्ट। दत्त की फिल्म थी, उसमें उसमें 2 गाने मैंने गाए थे, सलाम जिंदगी और रहमत जरा। थैंकफुली रहमत जरा जो गाना था उसके लिए मुझे न्यू टैलेंट अवार्ड मिला था। इट वॉज अच्छा, एन अवार्ड फॉर ऑल द न्यू टैलेंट्स, करेक्ट। आई वॉन दैट अवार्ड। और दैट वॉज अ बहुत अच्छा मेरे लिए रहा वो एक्सपीरियंस। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल, मैं गया था बस इंजॉय करने के लिए, कि जस्ट टू एंजॉय द फंक्शन, एंड आई वॉज अवार्डेड। सो अच्छा लगा इट मुझे, केम एज अ बहुत प्लेजेंट खुश। सरप्राइज। यस तो यस 6 साल की उम्र से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी, लाइट म्यूजिक में। और हाँ फिर कुछ हाँ साल मैंने क्लासिकल की भी ट्रेनिंग ली, हाँ तालीम ली, ताकि
आपको पता होना चाहिए कि आप क्या, आप करेक्ट. किस फील्ड में हो, तो क्लासिकल बहुत जरूरी है. तो मैंने वो भी तालीम ली है, बहुत ज्यादा नहीं सीखा हूं मैं, अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे और सीखना है और अच्छा गाना है. तो लम्हा में आपको ब्रेक मिला, मगर लम्हा बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई, जी तो उससे वापस आपकी स्ट्रगल शुरू हुई या इट वॉज ईजी आफ्टर दैट? एक्चुअली ये कहना सही होगा कि हाँ स्ट्रगल था वापस से, बट मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिथुन सर का, जो आज जो इतने बड़े जीनियस कंपोजर हैं मेरी नज़र में, कि उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा. लम्हा में मैंने उनके लिए दो गाने गाए, उसके बाद उन्होंने वापस मुझे गवाया मर्डर टू में, दिल संभल जा जरा. इस गाने से मेरे ख्याल से आपको एब्सोल्यूट वो रिकॉग्निशन मिल गई जी जिसकी आप तलाश में जी बिल्कुल बिल्कुल. ये गाना बहुत, इस गाने ने बहुत मतलब बड़ा रोल निभाया है मेरे लिए, मेरी जिंदगी में. दिस सॉन्ग हैज बीन द बिगेस्ट हिट टिल डेट. और इवन रहमान साहब का जो गाना बहने दे था रावण का, रावण वो में. जी रावण में वो गाना भी चला था काफी हद तक, बट अगेन फिल्म के नहीं चलने से आई थिंक कुछ असर हुआ था. बट दिल संभल जा जरा, इट वॉज अ तो वेरी बिग रहमान हिट. साहब के साथ गाने का मौका कैसे मिला? मिथुन सर तो आपको जानते थे, जी लेकिन रहमान साहब? जी रहमान साहब का जो उनके लिए जो गाया मैंने, उसका भी मैं श्रेय दूंगा मेरे हैदराबाद में जो गुरु हैं रामाचार्य सर, और उनकी जो एकेडमी है उसको, क्योंकि एकेडमी का हर साल हमारा एनुअल डे फंक्शन होता है. तो मैंने इस साल 2009 में एनुअल डे फंक्शन में मैंने परफॉर्म किया था, मैं इधर था बट मैं गया हैदराबाद और मैंने परफॉर्म किया. तो उसमें हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो थे हमारे जो लेजेंडरी सिंगर है इंडिया के, डॉक्टर एस पी बालासुब्रमण्यम साहब, वो चीफ गेस्ट थे उस शो में. तो उन्होंने मुझे उस शो में सुना गाते हुए, और उन्होंने मुझे बचपन में भी सुना था, मेरे बचपन में जब सेम एकेडमी में मैंने गाया था, तो उन्होंने सुना वो रो दिए गाना सुनने के बाद. ही स्टार्टेड क्राइंग, और 5 मिनट तक मतलब वो अपने आंसू पोंछते रहे, और ही कुडंट टॉक. कौन सा गाना गाया आपने? मैंने रामाचारी सर का कंपोज किया हुआ एक प्राइवेट कॉम्पोजिशन था, अच्छा, तो वो वो दो गाया दो था. पंक्तियां उसकी गाएंगे? जरूर जरूर वो सुना, मैं वो बचपन में गाया करता था वो गाना, और वो गाना कुछ ऐसा है. मैं कोयल सा गाऊं सबके मन को बहलाऊं, सात सुरों के संग में गाऊं, झनन झनन नाचूं तनन तनन गाऊं, नि 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 रे 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 मर सा मैं कोयल सा गाऊं. फैंटास्टिक. तो ये जी गाना ये सुनकर गाना बाला सुनकर सुब्रमण्यम साहब एकदम जी इमोशनल हो गए. जी जी एसपीबी साहब बहुत ओ इमोशनल हो गए, और वो रो दिए और बोला कि मैंने इस लड़के को 10 साल पहले भी सुना था जब छोटा सा बच्चा एंड ही था. रिमेम्बर्ड. ही रिमेम्बर्ड दैट, ही रिमेम्बर्ड दैट. ये मतलब ये एक बोलते हैं कि ग्रेट ग्रेट इंसान की, ग्रेट आर्टिस्ट की बात है जो मैंने सीखी उनसे, वो उन्होंने याद रखा. और वो 10 साल पहले भी वो रोए थे जब मैं बच्चा था यही गाने पे, और 10 साल बाद मैं जब मेच्योर मेल वॉइस में जब मैंने गाना गाया तब भी वो रो पड़े. और उन्होंने बहुत बहुत कुछ अच्छी बातें कही मेरे बारे में. इट्स इट्स हिज काइंडनेस एक्चुअली. और देन उस दिन उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं तुमको एक दिन ए आर रहमान के पास जरूर भेजूंगा, रिकमेंड करूंगा आगे फैंटास्टिक. तुम्हारी किस्मत, इफ यू इम्प्रेस हिम, ऐसे बात हो. तो दैट ही फुलफिल्ड हिज वर्ड. अच्छा, एंड रहमान साहब के साथ पहली मीटिंग कैसी थी? जी पहली मीटिंग वेरी एक्साइटिंग. इट वाज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि बचपन से एक जो एक क्रेज था कि ए आर करेक्ट रहमान के लिए गाना करेक्ट है, हर सिंगर को होता है. करेक्ट. और देर आई वॉज इन चेन्नई एंड रिकॉर्डिंग माई फर्स्ट सॉन्ग नर्वस थे इन आप? वॉल्यू, वेरी नर्वस, आई वॉज वेरी नर्वस. तो एंड आई गड़बड़े हुई? नहीं थैंकफुली थैंकफुली गड़बड़ नहीं हुई. और रहमान सर को रिकोगनाइज, उन्होंने नोटिस किया कि मैं नर्वस था, एंड ही मेड मी रियली कम्फर्टेबल. और रहमान सर ने मुझे, सर ने बहुत कम्फर्टेबल कम्फर्ट किया और बोला कि तुम रिलैक्स करो, डोंट गेट टेंस. और ही वॉज लाइक जस्ट रिलैक्स, आई वॉन्ट बाइट यू, ऐसे आराम से. फिर उन्होंने मुझे गाना दिया बहने दे, और मैंने गाना सीखा और मैंने गाया. और रात को लेट नाइट से ही काम करते हैं, तो मुझे रात को उतनी आदत नहीं थी गाने की, तो ही कुड मेक आउट. और उन्होंने मुझे एक और दिन, फिर से अगले दिन आके गाने का मौका दिया. सो दैट्स वाज रियली काइंड ऑफ हिम. थैंक लवली लवली. यू. कब आपके डैड को एहसास हुआ कि अब ये एस्टैब्लिश हो गया है एज अ सिंगर, जी 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 या अभी हाँ. भी डरते हैं कि एस्टैब्लिश नहीं है? नहीं, अभी अभी ऐसा कोई डर नहीं है. आई मीन थैंकफुली, थैंक गॉड. वो टीवी शो करने से पहले का जो एक पीरियड था मेरे लिए, वो बहुत क्रूशल था, क्योंकि मैं मतलब भटक रहा था मुंबई में कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, और कैसे. बॉलीवुड का एक होता ना कि दरवाजा ही पता नहीं था कि कहां से एंटर होते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं था. तो उस दौरान डैड काफ़ी नाराज़ थे, और मुझसे कई दिन उन्होंने बात भी नहीं की थी. और बट फिर जब वॉइस ऑफ इंडिया हुआ, मैंने टीवी शो में किया और टॉप 4 तक पहुंचा मैं, देन शो स्टार्टेड हैपनिंग. और फिर मैंने उनको समझाया कि मैं कोशिश करूंगा और मैं फिल्म्स में गाऊंगा एक दिन जरूर. और तो मैं उनको मैंने ये अश्योरेंस दिया. देन ही रियलाइज्ड विद टाइम विद एंड सीइंग माय प्रोग्रेस,
with time he realized. मोहम्मद भाई यहाँ पर एक दौर था 60s, 50s, 70s में जब चंद सिंगर्स हुआ करते थे. आजकल इतने सारे सिंगर्स आ गए हैं. मे बी बिकॉज ऑफ द रियलिटी शोज, मे बी बिकॉज लोग भी चाहते हैं कि नई नई आवाजें सुने. Correct. तो ऐसे में कॉम्पिटिशन बहुत है. तो स्ट्रगल अभी भी चालू है या अभी स्ट्रगल नहीं, इस दौर को आप स्ट्रगल का नाम नहीं देंगे? मैं एक्चुअली उस दौर को भी मैं स्ट्रगल का नाम देना उतना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि स्ट्रगल वर्ड मुझे उतना पसंद नहीं है. मैं बोलूंगा जर्नी. जर्नी, इट वाज ऑल माय जर्नी और इट वाज डेस्टिन्ड, ये होना ही था और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने क्रॉस किया है और आगे भी पता नहीं कब बुरा टाइम आ जाए कब अच्छा टाइम आ जाए. इस टाइम को आप अच्छा टाइम कहेंगे आपका? हाँ, इस टाइम को मैं एक्चुअली बिल्कुल अच्छा टाइम कहूंगा कि कुछ अच्छे गाने आ रहे हैं और जो यारियां का गाना बारिश बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है. बहुत पसंद आया, बहुत हिट हो गया. एक्चुअली पूरी एल्बम हिट हो गई. जी जी जी, यारियां पूरी एल्बम ही बहुत हिट हो गया. वेरी हैप्पी. और यारियां का गाना आपको कैसे गाने को मिला? मिथुन सर, एंड उनके साथ एक एसोसिएशन इतना अच्छा रहा है मेरा. और मिथुन सर जो मुझ पे जो एक ट्रस्ट करते हैं कि ये अच्छा गाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है. और एक कंपोजर का एक सिंगर में ये ट्रस्ट होना ये बहुत बड़ी बात है. और मेरे लिए, मैं तो न्यू कमर ही हूँ और जब आया था तो कुछ नहीं था, तो उन्होंने मुझे दो गाने दिए एक ही फिल्म में, उनके लम्हा में एंड देन मर्डर टू में इतना बड़ा गाना. हाउ कम यू वर मिसिंग इन आशिकी टू? आई नो, आई मीन एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने बोला क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने दिल समझ जा जरा गाया है मिथुन के लिए, तो आशिकी टू में मिथुन का गाना था तो आप गाओगे. People expect, और मुझे बहुत लोगों ने पूछा ये कि why have you not sung. और आपने मिथुन सर को पूछा? नहीं, मैं नहीं पूछूंगा. मैं क्यों पूछूंगा? क्योंकि it's his call, उनका गाना है, it's his song और it's उनकी, it's his choice. वो किसी को भी गवा सकते हैं. जब दिल समझ जा रहा उन्होंने मुझे गवाया, तब मैंने नहीं पूछा कि मुझे क्यों गवा रहे हो. और जब बारिश मुझे गवाया उन्होंने, इतना बड़ा गाना बारिश जब उन्होंने मुझे दिया है, तब मैंने नहीं पूछा कि सर मुझे अरिजीत को क्यों नहीं गवा रहे हो. तो इट्स हिज कॉल. आई मीन जो मेरा है मुझे मिलेगा. तो जो मेरा है मुझे मिलेगा, इसके ये सोच के आप काम मांगने जाते हैं या नहीं जाते हैं? एक थॉट होती ना कि जो मेरा है मेरे हिस्से आएगा तो मैं क्यों जाऊं, और एक होता नहीं मुझे काम करना है इसलिए मैं आगे बढ़ के लोगों से, कंपोजर से जाके मिलूं, लिरिसिस्ट से जाके मिलूं, ऐसा करते हैं? नहीं, जरूर मैं ऐसा काम मांगने जाऊं इस मोटिव से मैं नहीं मिलता हूं, बट जरूर मैं मिलता हूं, मैं म्यूजिक डायरेक्टर से मिलता हूं, मैं कोशिश करता हूं. और मैंने कुछ पीरियड कुछ दौरान कोशिश की थी बहुत कि मैं, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं और आई डिडंट नो कि काम कैसे मिलता है बॉलीवुड में, फिल्मों में गाने कैसे गाए जाते हैं. आई डिडंट नो. तो उस दौरान मैंने जो जिस किसी ने कुछ बोल दिया तो मैंने वो कर दिया. किसी ने बोला अरे ये नंबर है उनको फोन करो, वो तुमको उनसे मिला देंगे, वहाँ तुम साजिद वाजिद से मिल लेना, वो तुमको हिमेश से मिला देंगे. तो मैं करता था वो सब, बट वो सब करके मैंने देखा कि कुछ हुआ नहीं. अच्छा. उससे मतलब हाँ, आप कहीं कहीं तक पहुँचते हो और फिर मिल नहीं पाते हो, मीटिंग हो नहीं पाती, और मीटिंग होती है तो फिर गाना सुना नहीं पाते हो आप अपना. तो मैंने देखा कि टाइम के साथ साथ एक्चुअली मैंने सीखा है कि कैसे होता है. तो इसलिए मैं अभी जो आपको मैंने बोला, अभी इसलिए मैंने बोला है कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा. मैं उसके पीछे भागूं तो शायद नहीं मिले, और मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करूं तो शायद फिर भी नहीं मिले. करेक्ट. तो मेरा काम है मैं अच्छा गाऊं, मैं रियाज करूं और कोशिश करूं कि मेरी सिंगिंग इम्प्रूव हो, मेरा म्यूजिक एनहांस हो. ये मैं कर सकता हूं और ये करूंगा. आपके गुरु जी क्या सोचते हैं अब जब आपके गाने इतने हिट हो रहे हैं, तो उनका क्या कहना है? He is very proud. मैं कुछ ही दिन पहले हैदराबाद में ही था, तो मैं उनसे मिला और he is very proud, he is very happy. बोलते हैं कि जब भी मतलब टीवी पे तेरा गाना सुनता हूँ तो बोलते हैं बहुत खुशी होती है. और आज जो उनके 600-700 स्टूडेंट्स हैं, एवरी संडे क्लास होती है, तो सारे स्टूडेंट्स को बहुत गर्व से बोलते हैं कि दिस इज माई स्टूडेंट एंड बीन टीचिंग हिम सिंस चाइल्डहुड एंड ही इज डूइंग सो वेल इन हिंदी फिल्म. सो ही इज वेरी हैप्पी, इज वेरी हैप्पी एंड ही इज वेरी प्राउड एंड आई एम हैप्पी के उनका सिखाया हुआ मुझे काम आ रहा है और मैं उनको मैं कुछ खुशी दे रहा हूँ. और हैदराबाद में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर स्टार स्टेटस बन गया होगा आपका? हाँ, वहाँ पर जो मतलब जैसे कि 2012 में एक टीवी शो आया था तो मैं जीता था वो शो, तो उसमें काफी पब्लिक वोटिंग हुई थी और तो उस वजह से भी एक काफी एक पॉपुलर फिगर कह सकते हैं. तो अच्छा लगता है जब भी घर जाता हूँ तो कोई ना कोई गली मोहल्ले में और आसपास, इवन पूरे सिटी में भी कहीं मैं जा रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो लोग देखते हैं और हाथ बताते हैं, तो अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स आई मीन सबको अच्छा लगता है. करेक्ट, एग्जैक्टली. तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, आई एम थैंकफुल टू पीपल हु हैव नो. तो अब पैसों की बारिश होने लगी या नहीं लगी? पैसों की बारिश, आई मीन ऑफ कोर्स यस. आई मीन टीवी शो जैसे कहते हैं, जैसे टीवी शोज का बहुत इसमें इंपॉर्टेंस है. टीवी पे आप आते हो तो देन यू स्टार्ट गेटिंग शोज ऑन कॉन्सर्ट्स में, आपको बुलाते हैं इंडिया में, अब्रॉड भी. तो टीवी शोज करने में, देन यू कॉन्सर्ट्स करने में आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं. तो 2007-2008 से ही टीवी शोज मैंने करने शुरू कर दिए थे और उसके बाद लाइव शोज.
तो वैसे हुआ है। हाँ बट जो एक रिकग्निशन आता है फिल्म सॉन्ग गाने के बाद, और फिल्म सॉन्ग जब हिट हो जाए उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। लाइक जैसे अभी मुझे इतने सारे SMS और फोन कॉल्स आ रहे हैं और फैन मेल्स आ रहे हैं बारिश के लिए कि बारिश इतना अच्छा गाना है आपने, बहुत अच्छा गाया है, तो वो जो खुशी मिलती है वो कोई पैसा उसको मैच नहीं कर सकता। आप दिल से, अंदर से, मन से आप खुश रहो, आप अच्छा काम करो, और मेरे लिए मैं अच्छा म्यूजिक करूं, अपने म्यूजिक से मैं लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूं कि अरे पहले अच्छा गाया करता था अभी अच्छा नहीं गा रहा है, कब बस ये मुझे लाइफ में कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुनने को मिले, बस मैं ये चाहता हूं। हाल ही में बारिश के बाद कोई और गाना गाया है आपने? जी जरूर, इनफैक्ट बारिश से पहले ही कुछ मैंने, लाइक प्रीतम दा के लिए मैंने रिकॉर्ड किया कुछ गाने, और हिमेश जी के लिए मैंने वापस से ओ माय गॉड में गाया था, उनके लिए ओ माय गॉड में गाया था, उसके बाद मैंने वापस उनके लिए एक दो गाने और रिकॉर्ड किए हैं, एंड ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी। वो फिल्म रिलीज नहीं हुई है? अभी नहीं हुई, वो शायद 2014 में शायद आएगी उस फिल्म, उनकी आई थिंक होम प्रोडक्शन है, नाम मुझे नहीं पता, हिमेश जी की होम प्रोडक्शन है, एंड इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और भी कुछ गाने हैं, आई थिंक 2014 में 8-9 गाने तो आई थिंक मेरे रिलीज हो जाएंगे इंशाल्लाह। दैट्स वेरी नाइस, आई होप। आपके मम्मी और डैडी की दुआ से डेफिनेटली और गाएंगे आप, जाते जाते बारिश वाला गाना होगा। जरूर जरूर, ये गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और थैंक्स टू मिथुन सर के इतना खूबसूरत गाना उन्होंने मुझे गवाया, और बहुत बड़ा हिट हो चुका है जी ये गाना रिलीज से पहले। जी रिलीज से पहले, और 10th को मूवी रिलीज हो रही है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द मूवी, और मैं चाहता हूँ कि मूवी भी चले, गाना तो बहुत गया है ऑलरेडी, और थैंक यू सो मच टू द ऑडियंसेस फॉर लविंग दिस सॉन्ग सो मच। दिल मेरा है ना समझ कितना बेसब्र ये बेवकूफ बड़ा, चाहता है कितना तुझे खुद मगर नहीं जान सका, इस दर्दे दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह, इस दर्दे दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। फैंटास्टिक फैंटास्टिक मोहम्मद जी, आपसे बात करके बहुत बहुत मजा आया, एंड यस होपिंग दैट यू कंटिन्यू टू एंटरटेन योर फैंस, मिलियंस मिलियंस ऑफ फैंस, इसी तरह जिस तरह आप करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं आपके शो का बहुत बड़ा फैन हूँ, और इस शो पे आके मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ आके मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बॉलीवुड हैज फाइनली एक्सेप्टेड मी। क्या बात है, इस शो पे आके मुझे फीलिंग आ रही है, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू मोहम्मद भाई। तो दोस्तों, ये थे मोहम्मद इरफान। ये गाना सुनकर हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि अब बारिश वाले गाने के बाद मोहम्मद इरफान पर काम की बारिश शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में। इन द मीन टाइम, आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए BBiz, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर। यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC बॉलीवुड। दिस इज कोमल नाहटा बिडिंग यू गुड बाय।